नमस्कार, मैं दिव्या और उस वक्त आप देख रहे हैं झलक दिल्ली। करवा चौथ वाले दिन एक महिला का सुहाग उजड़ गया है। एक महिला जो अपने पति को रेडी पर लिटाकर अस्पताल ले जाने की गुहार लगाती रही, उसका पति तड़पता रहा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया उसकी मदद के लिए। ना तो एम्बुलेंस आई, ना तो प्रशासन की तरफ से उसको कोई मदद दी गई। आखिरकार उसके पति की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला देश की राजधानी दिल्ली के अलीपुर के बख्तावरपुर इलाके से सामने आया है, जहां पर करवा चौथ वाले दिन यानी कि 13 अक्टूबर की सुबह 11 बजे उसके पति की बालकनी से नीचे गिरने से मृत्यु हो जाती है। पत्नी और पति दोनों ही बख्तावरपुर में किराए के मकान में रहा करते थे। पति का नाम वासुदेव बताया जा रहा है। पति जो है वो केले बेचने की रेडी लगाया करता था और पत्नी खेतों में काम करने जाती थी। रोजाना की तरह उस दिन भी पत्नी खेत में काम करने जाती है और पति रेडी लगाने जाने ही वाला था, तभी सोकर उठता है और अचानक से बालकनी से नीचे गिर जाता है। बालकनी से नीचे गिरने की वजह से सर में गहरी चोट आती है और कई घंटों तक जमीन में पड़ा रहता है, जिसके बाद आसपास के लोग उसकी पत्नी को ये सूचना देते हैं। पत्नी घर आती है और उसके बाद अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है। आप सोचिए, हैरानी की बात ये रही कि पत्नी उसी ठेले के ऊपर बिठाकर अपने पति को अस्पताल ले जाती नजर आई जिस पर वो केले बेचा करता था, और उसी ठेले के ऊपर उस पति ने आंख फंस ली। लेकिन जिस वक्त वो पत्नी अस्पताल ले जाना चाहती थी, ना तो कोई एम्बुलेंस मदद के लिए आई, ना तो प्रशासन की तरफ से उस महिला की किसी तरीके से कोई मदद की गई, ना तो आसपास के लोग आए, और आखिरकार उस पति की मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्यवाही जारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बालकनी से नीचे गिरने से पति की मृत्यु हुई है। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलक दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए Google Play Store पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।